फटाफट से मिस्टर डीआईवे का टूर करते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन में जाते ही आपको ना शावर्स, आयरन स्टैंड और फ़ोन के केसेस मिल जाते हैं, वो भी बहुत प्यारे प्यारे। आपको ना यहाँ पे डाटा केबल्स भी मिल जाती हैं आपके आईफोन के लिए, आपके एंड्रॉइड फ़ोन्स के लिए। और नेक्स्ट सेक्शन में मुझे ना यहाँ पे डॉग्स के सारे मुझे मिले थे, सारे खाने वगैरह उनके खाने खिलाने के लिए जो बॉक्सेस होते हैं वो। और ये नेक्स्ट ना यहाँ पे आपको इयररिंग्स मिल जाएंगी, इयररिंग्स के बहुत अच्छे कलेक्शंस हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे ना ब्रेसलेट्स मिल जाएंगे, आपको आराम से मिल जाएंगे की चेन्स। और यहाँ पे बहुत सारा ना आपको हार्डवेयर को सामान तो सब मिल जाएगा, केबल टाइज वगैरह सब मिल जाते हैं, लॉक्स मिल जाते हैं, ग्लू गन मिल जाते हैं जो कि मेरी फेवरेट है, या वो हर चीज़ में काम आते हैं ग्लू गन। आप देख सकते हैं इसका प्राइस, ये अलग अलग ना तीन चार तरह के वहाँ पर टाइप्स थे ग्लू गन के, जो थोड़े आगे बढ़े तो यहाँ पे ना सारा ये गोरिल्ला ग्लू और जो फेविक्विक होते हैं वो सब थे यहाँ। तो मैंने पहले वाले सेक्शन से ना इयररिंग्स लेते हैं, ये बहुत सस्ते थे। ये नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ के ना मुझे यहाँ पे कार की चीज़ें मिली हैं। आपको क्या कहते हैं डेंट मार्क वाला पेन आता है, ये वो था पीछे, आपको दिख जाएंगे रग्स वगैरह थे जो हम लोग कालीन वगैरह बिछाते हैं उसकी तरह से, ये और से मैट्स हैं ये। यहाँ पे ना सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है। और गैस ये कोई नॉन स्पॉन्सर वीडियो है, इसमें कुछ मुझे कुछ सामने से नहीं मिला, बट मुझे ये स्टोर ना बहुत पसंद है। आपको यहाँ पे वॉचेस दिख सकती हैं बहुत अच्छी अच्छी और ऊपर गई तो मुझे यहाँ पे ना अम्ब्रेलाज दिखी थी सबसे पहले, अम्ब्रेलाज हो गए, ये टेबल पे रखने वाले बास्नेट्स हैं, ये पूरा क्लीनिंग के ब्रशेज होते हैं वो है। यहाँ पे आपको ना क्या कहते हैं हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, आपके हाउस होल्ड से लेके आपके बेकिंग नीड्स तक। यहाँ पे कैबिनेट्स हैं, मैंने यहाँ से ना दो तीन कैबिनेट्स भी ले चुकी हूँ पहले भी, बहुत अच्छे होते हैं स्टोरेज के लिए, आपको सामान भी अच्छी तरह से लग जाता है इसमें। फिर यहाँ पे आके मुझे ये टूथपेस्ट दिखे थे, टूथब्रशेस दिखे थे एंड ये इसके मास्क ना मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। यहाँ पे अम्ब्रेला की बहुत बड़ी मतलब ना बहुत बड़ा कलेक्शन है। यहाँ पे टिश्यू पेपर्स थे, यहाँ पे ये लाइक आपके कपड़े रखने के लिए ये नहीं थे कंटेनर्स वो थे, और ये रेनकोट थे, यहाँ पे दो तरह के रेनकोट थे, थोड़ा महंगा था थोड़ा सस्ता था। तो उसके बाद मैं गई थोड़ा आगे तो यहाँ पे ये सारे लाइक यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए और क्या कहते हैं आपके ड्रेन को क्लीन करने के लिए सामान था यहाँ पे। ये थोड़े आगे मैं बड़ी तो मुझे यहाँ पे मिला जब अपने फ्रिज के ऊपर आप टांग सकते हो अपना, या तो कहीं आप टांग कर उसमें अपने की चेन्स वगैरह डाल सकते हैं आराम से। फिर थोड़ा आगे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक कार को क्लीन करने के लिए वो मॉप्स मिल जाती हैं, आपको यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप्स मिल जाती हैं, सॉक्स के बहुत सारे वो मिल जाते हैं आराम से, मतलब बेसिकली एवरीथिंग। आप ये देख सकते हो, अगर आपको पता होगा तो आप ना टीवी में भी देखा होगा वो ऊपर करते हैं ना धूप के लिए, तो ये मुझे बहुत प्यार लगते हैं। नेक्स्ट ये कुछ मेडिसिन के कंटेनर्स हैं, यूजफुल होते हैं, मैं यूज़ नहीं करती, मैंने लिया नहीं है अभी तक आपसे ना। मैंने एक बहुत अच्छी ली थी टेबल के कॉर्नर्स मैं बहुत लेती हूँ, आपके घर ना बहुत ज़्यादा टेबल लाइक इच्छी इच्छी लग जाती हैं तो मैं ये यूज़ करती हूँ, ये बहुत प्यारे हैं। आपको बस उसको स्टिक ऑन करना होता है, तो मैंने वहाँ से एक ये भी लिया था। और थोड़ा आगे बढ़ी तो मुझे वहाँ पे ना ये शावर वगैरह, ये सेजर्स वगैरह सब दिखी थी जो कि आप प्रोफेशनली अपने बाल घर पे कट कर सकते हो, कंटेनर्स थे स्प्रे बॉटल्स थी। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो मुझे यहाँ पे थोड़ी बकेट्स दिखी, फिर रबर बैंड्स की बहुत ही क्वालिटी है गाइस, अभी आगे देखना रबर बैंड क्लिप्स और आपको ना पेन्स के कलेक्शन दिखेगी। मैं खुद यहाँ का एक पेन यूज़ कर रही हूँ, बहुत प्यारा पेन है, बट उसकी थोड़ी सी राइटिंग ऐसी है, थोड़ी सी मोटी लिप है, बट यहाँ पे पेन्स की कलेक्शन बहुत अच्छी है, हर तरह के पेन मिल जाते हैं, हेयर बैंड्स मिल जाते हैं। और बेसिकली ना मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा इनका कलेक्शन, प्राइस भी बहुत कम है और अच्छा है। आगे जाओगे तो आपको बेबीज़ के बहुत सारे सामान मिल जाते हैं, टॉवल्स मिल जाती हैं, हैंड टॉवल कैप्स मिल जाती हैं, आपको ट्रिप पे या पिकनिक पे ले चाहिए तो आपको यहाँ पे बेल्ट भी मिल जाती हैं। थोड़े आगे जाओगे इसके तो आपको बैग्स की कलेक्शन दिखेगी, बैग्स की कॉम्स की, और ये ना ब्रास टाइप ना ज़रूर खरीदना अगर वहाँ जाओगे तो, बहुत सस्ते बहुत अच्छी हैं। थोड़े पेंस की यहाँ पे, और ये नेक्स्ट हमारे पास ट्रैवलिंग किट है, मैंने इसमें से एक ली थी, ये थोड़ा आगे जाके ना ये क्लचर्स हैं, यहाँ पे क्लचर्स की बहुत ह्यूज कलेक्शंस हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं, आईलैशेस, ब्यूटी ब्लेंडर और आपको पफ्स वगैरह चाहिए यहाँ पे सब मिलते हैं। मैंने यहाँ से एक मिरर लिया था, बहुत प्यारा मिरर है, वो भी बड़ा सा एक हॉल है उसमें आपको मैं सब दिखाऊंगी। इसके थोड़े आगे गई तो मुझे यहाँ पे ना मतलब बहुत अच्छी चीज़ मिली, फ्रेम्स वगैरह और ऑफिस के बैग्स सजाने के लिए, आपने देखा था ना क्राउन कलर का वहाँ पर रखा हुआ था, वो भी अपने रूम में आप सजा सकते हो, मिरर के आपको बहुत सारे टाइप्स मिल जाएंगे। फिर इसके आगे ना कहीं स्टेशनरी सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, स्टेशनरी सेक्शन जैसे कि स्कूल बैग्स हो गए और रैपिंग पेपर हो गए, स्टिकर्स हो गए, या फिर आपको लाइक स्टिकर वो वॉल नहीं होती स्टिकर वाली वॉल, आपको वहाँ पे ये भी मिल जाएगी। उसके थोड़ा आगे जगह आपको वहाँ पे ग्लू मिल जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आपको पार्टीज के लिए भी आपको बहुत असेंशियल होंगी, नोटबुक्स मिल जाती हैं। और यहाँ पर ना सबसे प्यारी अच्छी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर ना अगर आप किसी को यहाँ पर प्राइस नहीं पूछना पड़ेगा, आप वहाँ जाओगे आपको गेम्स भी यहाँ दिख रही है बहुत सारी, आप आगे जाओगे ना आपको प्राइस का एक मिल जाता है, वहाँ पर स्कैन करके आप उस प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस पता कर सकते हो आफ्टर डिस्काउंट वहाँ पे कितने का है। तो मैं यहाँ पे आई थी, मुझे यहाँ पे फोल्डर्स दिखे थे बहुत सारे, और ना सबसे प्यारी चीज़ यहाँ पर ना मुझे स्लाइम किट मिली थी, और वो इतनी अच्छी ना इतनी प्यारी कि उसमें एक लिक्विड मिला है, मुझे ग्लू मिली थी और वो इतना प्यारा वर्क करते हैं ना,
कि क्या बताऊँ, थोड़े आगे एकदम यहाँ पे चेन्स मिली थी, यहाँ पे सेलो टेप की ह्यूज, मतलब इतनी वेराइटीज़ है ना कि क्या बोलूँ। एंड प्लीज़ बताना ह्यूज कितनी बार मैंने बोला इस वीडियो में। थोड़े आगे की तो मुझे यहाँ पे थोड़ी नोटबुक और बॉक्सेस मिले, और यहाँ पे स्लिंग्स बैग बहुत सारे थे, वेस्ट बैग थे, ट्रेंडी वाले वेस्ट बैग थे, ऐसे वाले नहीं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी वाले थे। सो गाइस, ये जो प्राइस चेक करें मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे अपना आफ्टर डिस्काउंट कितना प्राइस है प्रोडक्ट का, आप यहाँ पे स्कैन करके बार कोड को आप पता कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ना करके भी दिखा था, देखो वो दिख जाएगा इस प्रोडक्ट का प्राइस वहाँ पे 99 रुपीज़ था, फिर नीचे आपको बस बिलिंग करानी होती है। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो, आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेक श्योर